सब्सक्राइब कीजिए माय एक्साइटिंग व्लॉग चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट व्लॉग सबसे पहले देखने के लिए। तो व्हाट्स अप एटी फैमिली, दिस इज द फ्रेंड मोहित बैक विद अदर सुपर डुपर व्लॉग। सो गाइस, आज के व्लॉग में यार हम मिक्स सेगमेंट लाए हैं। बेसिकली आज के व्लॉग में हम लग्जरी सेडान, एसयूवी एंड हैचबैक लेके आए हैं। गाइस वो तो सारी आपको चीजें बाद में दिखाऊंगा, तो सबसे पहले अपने सामने तीन भाई के कमेंट्स देख रहे होंगे जिन्होंने लास्ट वीडियो पे कमेंट किया था। यार ऐसे बड़े बड़े कमेंट आप करते रहे एंड साथ में ये जरूर मेंशन करें कि आप कौन से स्टेट से बैठ कर हमारा व्लॉग देख रहे हैं एंड नेक्स्ट व्लॉग में आप कौन सी गाड़ी देखना चाहते हैं। कोशिश करेंगे यार, लेके आएंगे। सो अब मिलवाता हूँ आपको विपिन भाई से। कैसे हैं विपिन भाई? बहुत अच्छे, आप बताओ। बहुत बढ़िया भाई। तो विपिन भाई ये बताइए, आज के व्लॉग में हम भाइयों के लिए क्या क्या कलेक्शन लेके आएगा आपकी? जैसे आप बता चुके हैं कि मिक्स सेगमेंट है, इंडियन भी रहेगी, लग्जरी भी रहेगी, तो हम दो दो करके गाड़ियाँ दिखाएंगे क्योंकि स्पेस की थोड़ी सी कमी है। तो गाइस एक मैं आपको दिखा दूँ, एक छोटा सा एक ये दिखा दूँ भाई, एक बार प्लीज दिखाना। यहाँ पे एट द टाइम गाइस यहाँ पे फिलहाल कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, यहाँ पे पाइप चल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे इतना स्पेस नहीं मिल रहा, तो इसलिए हम आपको दो दो कार के शूट हम दिखाते रहेंगे। मतलब दो दो कार हम ला के आपको दिखाते रहेंगे, है ना भाई? उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्लॉग में मिल जाएगी। एंड अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए, आपके सामने 10 नंबर आ रहे हैं, यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर लें, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। प्लस मुझे एंड बाबा लक्ष्मी कार को जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको सारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहते हैं कि नेक्स्ट व्लॉग में कौन सी गाड़ी आएगी। तो चले गए, चलते हैं, शुरू करते हैं आज के इस व्लॉग को। सो गैस पहले हम आपको ये दो लग्जरी सेडान दिखा रहे हैं। एक गैस होगी आपकी BMW 5 सीरीज एंड एक है आपकी मर्सिडीज बेंज ई क्लास। तो विपिन भाई ये बताओ, स्टार्ट किससे करें फिर? सबसे पहले 5 सीरीज से स्टार्ट करेंगे। ओके, जो कि हमारी 520D है BMW में, 5 सीटर रहती है। कलर आप देख रहे हैं काफ़ी यूनिक कलर है और दिखने में भी अच्छा लगता है, नो डाउट। ओके, बिल्कुल नीट एंड क्लीन गाड़ी है। फ्रंट से बात करेंगे तो आप हेडलाइट्स देख सकते हैं, ऐसे प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं आपको। ओके, हेडलाइट वॉशर्स मिल जाते हैं, फॉग लैम्प भी मिलेंगे हमें इस गाड़ी में। एंड भाई अगर हम इस कलर की बात करें, ये आपका हवाना ग्रे कलर है ना? ये जी कह सकते हैं हवाना ग्रे। ओके ठीक है। एंड अब इसके एक्सटीरियर की बात करें, बाहर इस कार में हमें क्या क्या फीचर देखने को मिलते हैं भाई? जैसे आपको क्रोम ग्रिल मिल जाता है जो हर BMW में रहता है, चाहे इसकी SUV या सेडान हो। ओके, सेम ग्रिल रहता है, हेडलाइट वॉशर्स या सेंसर्स आपका रहता है इस गाड़ी में। Okay. और जो अलॉय व्हील्स आप देख रहे हैं वो आपको कंपनी ब्रांड मिलते हैं इस गाड़ी में। Okay. और जो साइड मिरर्स हैं वो हमारे ऑटोफोल्ड रहते हैं। एक बार अगर आप प्रोफाइल दिखाएं सबको तो, और जो आप देख सकते हैं इंडिकेटर जो इसका क्रोम फिटिंग के साथ फेंडर में रहते हैं गाड़ियों का। ठीक है, ये देखिए आपका, तो बेसिकली आपका ऑटोमेटिक आई है ना जी। और आपको डोर के अंदर भी क्रोम की फिटिंग थोड़ी बहुत मिल जाती है, और जब हम अनलॉक करते हैं तो इसमें भी लाइट ग्लो करता है नीचे की तरफ। ठीक है जी। सो विपिन भाई अगर हम इस अब कार के अंदर के फीचर्स की बात करें, इस BMW 5 सीरीज में हमें अंदर क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं? सबसे पहले तो जो इसका इंटीरियर है वो हमारा बीच कलर का रहता है, और सब कुछ हमें इसमें कंपनी फिटेड मिलता है आपका जी। क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, स्टीयरिंग में आपको ऑडियो कंट्रोल्स मिल जाते हैं, और जो आप पूरा गियर का कंसोल देख रहे हैं, जैसे ऑटोमेटिक गियर लीवर है इसका, काफ़ी यूनिक दिखने में अच्छा लगता है जी। और प्लस आप इसको मैनुअल ट्रांसमिशन में भी गाड़ी को यूज़ कर सकते हैं, और जैसे इसमें हैंड ब्रेक होती है तो पार्किंग आपका जो इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक्स रहते हैं और ऑटो होल्ड पार्किंग मिल जाती है, जो कि हमारा हिल्स में काम आती है आपको। ओके, एंड जो भाई अगर हम इसकी फ्रंट की सीट्स की बात करें, वो आपकी ऑटोमेटिक सीट्स है ना वो? जी बिल्कुल, इलेक्ट्रॉनिक सीट्स रहते हैं, मेमोरी सीट्स मिल जाते हैं आपको इन गाड़ी में। ओके, और जो इसका म्यूज़िक सिस्टम भी आप देख रहे हैं वो ऑब्वियसली कंपनी फिटेड ही है, और काफ़ी अच्छा म्यूज़िक वगैरह रहते हैं इन गाड़ी में। एंड भाई अगर हम इसकी बात करें, जो इसके अंदर आप बोल रहे थे जैसे कि आप इसे मैनुअल ट्रांसमिशन में भी चला सकते हैं, तो इसमें हमें अंदर पैडल शिफ्टर्स मिलते हैं? नहीं, इसमें पैडल शिफ्टर नहीं होते, आपका जो गियर नॉब है उसी को ही हम एज एन गियर, जो प्लस और माइनस का ऑप्शन होता है उससे, वो बेसिकली आपको माउंटेन्स में काम आते हैं ज़्यादा। ओके ओके ठीक है। सो भाई अगर हम अब इसकी डिटेल्स पे आए, तो ये BMW 5 सीरीज की पहले स्टार्ट करते हैं, कौन सी का मॉडल होगा ये? ये हमारी 2011 मॉडल है। ओके जी। इसकी किलोमीटर की बात करें, कितनी ड्रिवन होगी गाड़ी है? ये 82,000 चल चुकी है। 82,000। एंड कौन सी स्टेट की भाई ये गाड़ी होने वाली है? ये हमारी दिल्ली रजिस्टर्ड है। ठीक है। एंड ये आपका है डीजल वेरिएंट? बिल्कुल डीजल वेरिएंट। अब बाबा लग्जरी कार पे हमें ये BMW 5 सीरीज किस कॉस्ट पे मिलने वाली है? ये मिल जाएगी आपको 10.95 में। 10.95 लाख रुपए। सो गाइस आप में से काफी भाई डिमांड करता है, एंड इवन विपिन भाई आप भी कमेंट्स पढ़ते हैं, काफी भाई बोलते हैं कि भाई हमें अंडर 10 लाख लग्जरियस कार चाहिए। सो ये 10.95 लाख की है, जो कि इसमें नेगोशिएबल है। अगर आप इंटरेस्टेड है इस गाड़ी में तो बेस्ट आपको नेगोशिएशन मिल जाएगी इस गाड़ी बिल्कुल में। मिल जाएगी। एंड गाइस बता दूँ, इसी सेम कलर में आपको एक और ऑप्शन भी मिल जाएगा, लेकिन वो भाई लेटेस्ट ईयर का है या ओल्ड मॉडल है? सेम मॉडल ईयर है हमारे पास, अभी काफ़ी 5 सीरीज है इस बार स्टॉक। तो गाइस एक बार बता दूँ, वैसे आप इनके अगर चैनल पर विजिट करते हैं तो वहाँ पे भी आपको बाबा लग्जरी कार पे भी अलग अलग वीडियो देखने को मिलती है। एट द टाइम यहाँ पे शोरूम पे 6 से 7 BMW अवेलेबल हैं। बिल्कुल। ठीक है। सो गाइस ये तो सारी डिटेल्स हो गई BMW 5 सीरीज की। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कार पे, जो कि आपके साथ में खड़ी मर्सिडीज बेंज ई क्लास ओल्ड शेप मॉडल।
सो भाई पहले हम आते हैं इसके एक्सटीरियर पे, तो हमें बाहर क्या क्या फीचर देखने को मिलते हैं। फ्रंट में आपको मिलता है मर्सिडीज का क्रोम का ग्रिल, हाँ जी, और इसके भी जो हेडलाइट्स हैं प्रोजेक्टर लैंप्स रहते हैं। ओके, और आप देख सकते हैं हाई बीम लो बीम के लिए आपका ये पूरा लाइट कनेक्टेड ऐसे लगता है दिखने में लगे, बट ये पूरा कनेक्टेड रहता है अंदर से। और हेडलाइट वॉशर्स मिल जाते हैं आपको इसमें। ओके, फ्रंट में आप देख सकते हैं सेंसर्स प्लस आपका जो LED फॉग लैंप्स रहता है इस गाड़ी में। ये हमारी ई क्लास है A250 जो कि अपर क्लास में ही आती है, मतलब 5 सीरीज या ई क्लास आपका ऑलमोस्ट एक ही सेगमेंट है। ओके ठीक है, एंड गाइस इसमें भी आपको मिलते हैं अलॉयज मर्सिडीज बेंज के, और ये भी कंपनी फिटेड है। ठीक है, लोग मेंटेनेंस कॉस्ट का भी, जैसे आप कमेंट्स की बात कर रहे थे, लोग पूछते हैं कि क्या मेंटेनेंस कॉस्ट रहती है इन गाड़ियों की। आप कोई भी लग्जरी गाड़ी ले लीजिए, किसी की भी सर्विस आफ्टर मार्केट अंडर 10,000 ईजिली हो जाती है। एंड वो जो ये भाई बता रहे हैं वो आपकी आफ्टर मार्केट है? जी बिल्कुल। ओके, सो भाई अगर हम इस कार के अंदर के फीचर्स की बात करें, इसमें हमें अंदर क्या क्या फीचर देखने को मिलते हैं? जैसा सबसे पहले तो इंटीरियर हमारा इसमें ब्लैक कलर का रहता है, हाँ जी, और इसमें भी आपको स्टीयरिंग में कंट्रोल्स जो कि मेन्यू कंट्रोल और ऑडियो कंट्रोल्स मिल जाते हैं। गियर लीवर हमारा नॉर्मली इसका लेफ्ट साइड में ही रहता है। ओके, और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन तो आती है ये गाड़ियाँ सभी, सनरूफ मिल जाता है आपको दोनों गाड़ियों में जी, मर्सिडीज में भी और BMW में भी। और स्पेशियस है इसका भी, इलेक्ट्रॉनिक सीट्स रहती हैं आपकी, क्रूज कंट्रोल मिल जाता है आपको इस गाड़ी में भी, जो कि हाईवे के लिए काफ़ी आरामदायक रहता है। ओके, सो भाई अगर हम इसकी अब बात करें डिटेल्स की, सो मर्सिडीज बेंज ई क्लास कौन सी ईयर का मॉडल होने वाला है? ये 2010 मॉडल है। ओके जी, एंड आपका डीजल वेरिएंट है ये? बिल्कुल डीजल वेरिएंट है। ओके, एंड कितने किलोमीटर चल रही गाड़ी होगी भाई? ये हमारी 85 के आसपास चल चुकी है। 85,000, एंड कौन से स्टेट की गाड़ी होने वाली भाई? ये दिल्ली रजिस्टर्ड है। दिल्ली रजिस्टर्ड, ठीक है। अब बाबा लग्जरी कार पे हम इस मर्सिडीज बेंज ई क्लास की क्या कॉस्टिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बाबा लग्जरी कार पे E250 मिल जाएगी आपको 8.75 में। 8.75 लाख रुपीस में। सो गाइस, जो भी आप अंडर 10 की लग्जरी की बात कर रहे थे तो वो वही बोलने वाला था। सो गाइस, आप में से काफी भाई बोलते भी, अब ये देखो पहले तो 10.95 लाख में दिखाई, अब ये हमने आपको दिखाई है 8.75 लाख रुपीस की। एंड विपिन भाई अगर हम इन दोनों कार्स की बात करें, दोनों मतलब एक ही लेवल की गाड़ियां हैं। जी बिल्कुल, एवरेज भी बता देता हूँ, जो BMW की एवरेज है वो भी 14-15 की है, और मर्सिडीज की भी 14-15 की। हाईवे पे इनकी काफ़ी अच्छी एवरेज रहती है, बाकी जैसे मरवारी कहते हैं आपके ड्राइविंग स्टाइल पे या किस कंडीशन में गाड़ी चल रही है उस पर आपका डिपेंड रहेगा। ओके एवरेज को चलेगा। इन दो कार्स की इन्फॉर्मेशन हमको आपको सारी दे दी, अब लेके आते हैं आपकी नेक्स्ट कार, अब दिखाते हैं आपको नेक्स्ट कार कौन सी होने वाली है। सो गाइस, अब नेक्स्ट कार आपकी आ चुकी है सामने, मर्सिडीज बेंज सी क्लास। सो विपिन भाई कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करो अब इस कार के बारे में पहले। आप शेप देख के बता सकते हैं, जैसे कि C220 है हमारी ये। ओके, डीजल में ही आती है, और इसमें भी आपको जैसे क्रोम का ग्रिल मिल जाता है मर्सिडीज का प्रोजेक्टर, जिसका भाई लोगो है ये बहुत बढ़िया लगता है, जो बड़ा सा लोगो दे रखा है। और जो हेडलैम्प्स आप देख रहे हैं प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं आपको, ठीक है, और LED आपको इसमें भी और नीचे भी फॉग लैंप में मिलती है क्रोम ग्रिल के साथ। बम्पर में भी आप देख सकते हैं थोड़ा सा अलग लुक का, इसमें क्रोम फिटिंग मिल जाती है आपको दोनों तरफ। ओके, और इन गाड़ियों में हेडलाइट वॉशर्स तो रहते हैं, और जो अलॉय व्हील आते हैं आपके वो भी कंपनी फिटेड ही आएंगे आपके इसमें। ओके, तो इसके अलावा देखिए अलॉय कितने बढ़ गए इसके लुक वाइज। ओके, एंड गाइस ये देखिए, ये है आपकी ब्लू एफिशिएंसी मॉडल, ऑटो फोल्ड साइड मिरर्स मिल जाते हैं आपको विद इंडिकेटर्स। और जो सी क्लास होती है बहुत ज़्यादा लंबी या बहुत ज़्यादा छोटी नहीं होती, स्पेशियस है, अच्छा स्पेस मिलता है, कम्फर्ट लेवल अच्छा है, हाँ जी। और ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं ब्लैक रूफ, ब्लैक रूफ इसलिए क्योंकि इसमें पैनोरामिक सनरूफ है, पीछे की तरफ आपको मूड ग्लास मिल जाते हैं और आगे आपका सो मतलब इसका पूरा जो ऊपर का वो हम देख रहे हैं रूफ टॉप आपका पूरा वो है ग्लास का। ये आपका पार्शल में, जैसे आपका फर्स्ट पार्ट है ये ओपन हो सकता है, पीछे आपका मून रूफ मिलता है आपको। ओके ठीक है। सो भाई विपिन भाई अब हम इसकी अगर हम फीचर्स पे आए, सो इस कार में हमें अंदर क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं? जैसा कि आप देख सकते हैं इसका इंटीरियर जो है काफ़ी नीट एंड क्लीन है, बीच कलर का इंटीरियर है, और गाड़ी जो है ये चले भी बहुत कम हुई है हमारी, और इलेक्ट्रॉनिक सीट्स रहते हैं जैसे इस गाड़ी में, और आपका स्टीयरिंग में आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं, कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम मिलता है आपको, और जो आपका क्लाइमेट कंट्रोल एसी है वो भी काफ़ी पावरफुल रहते हैं इस गाड़ी में। ओके ओके ओके। तो भाई अब इसके अंदर की अगर हम फीचर की बात करें, आपने वो तो बता दिए सारे, अब आते हैं मेन इसकी डिटेल्स पे, तो ये बताओ चलते कौन सी ईयर का मॉडल होने वाला है? ये हमारी 2013 मॉडल है। ठीक है जी। एंड आपका कौन से स्टेट की गाड़ी होगी? ये दिल्ली रजिस्टर्ड है। दिल्ली रजिस्टर्ड जी। अब और इसकी किलोमीटर की बात करें तो भाई ये 33,000 चल चुकी है गाड़ी। 33,000 किलोमीटर बिल्कुल। ओके, बाबा लग्जरी कार पे आपको 2013 सी क्लास मिल जाएगी 11.25 में, 11,25,000 रुपये में। 11,25,000 रुपये में। एंड कौन सी मॉडल का? 2013 ओके। प्लस गैस
अगर आप इस कार के अंदर की कंडीशन की बात करें, एकदम मेंट एंड नीट कार है ये अंदर से। आपको ने इसका इंटीरियर भी देख लिया शॉर्ट्स में, गाड़ी एकदम वेल मेंटेन्ड है एंड बढ़िया कंडीशन में है ठीक है। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर इसके अलावा हमें और यहाँ पे सी क्लास यही वाला मॉडल कितने अवेलेबल है अभी यहाँ पे? सी क्लास हमारे इसके अलावा दो ऑप्शन छोड़ दिए। ओके ओके ठीक है। तो गाइस अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपके सामने नंबर आ रहे हैं, आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर लें, यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो गाइस अब ये आपकी नेक्स्ट कार आ चुकी है महिंद्रा XUV 500। फिर से बताना चाहूँगा काफ़ी भाई डिमांड भी करते हो कि भाई महिंद्रा XUV 500 दिखाओ, फाइनली आपके लिए एक बार हम लेके आ चुके हैं। तो विपिन भाई स्टार्ट करते हैं, पहले इसमें ये था एक्सटीरियर में हमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं इस कार में? फ्रंट में जैसे कि आप देख सकते हैं महिंद्रा का लोगो, जो ग्रिल मिलती है आपको, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स ओके रहते हैं आपका इस गाड़ी में जी, और जो ये LEDs जो हैं ये भी काफ़ी अच्छा लुक देता है गाड़ी के। ओके ठीक है भाई। और XUV डिमांड में इसलिए रहती है क्योंकि आप लुक जैसा देख रहे हैं काफ़ी अच्छा लगता है, और जो 7-सीटर गाड़ी है और प्राइस में इसका काफ़ी कम भी रहता है, मतलब मार्केट में आप कोई भी मॉडल ले लीजिए जी आपको ठीक ठाक प्राइस में मिल जाती है 7-सीटर गाड़ी। ओके तो विपिन भाई अगर हम इसके इंटीरियर की बात करें, अंदर हमें क्या क्या फीचर्स प्रोवाइडेड है? इन गाड़ियों में सब कुछ आपको कम्फर्टेबल मिलता है, जैसे स्टीयरिंग में आपको इसमें भी क्रूज कंट्रोल मिल जाता है जो XUV आती है हमारी हाँ जी, और जैसे 7-सीटर है आपने देखा डुअल टोन में सीट कवर्स रहते हैं इस गाड़ी के। ओके और म्यूजिक सिस्टम वगैरह सब आपको कंपनी से मिलता है, एसी वेंट्स आप देख सकते हैं, एयर बैग्स मिल जाते हैं आपको इस गाड़ी में। और 7-सीटर अच्छा स्पेस मिलता है और मतलब लॉन्ग रूट पर शॉर्ट रूट पर कहीं भी ले जाइए आपको अच्छा राइड आप इन्जॉय कर सकते हैं गाड़ी। ओके ठीक है। सो भाई अगर हम बात करें इसकी डिटेल्स की, तो कौन से ईयर का मॉडल है ये? 2011 मॉडल। एंड ये आपका डीजल वेरिएंट है? बिल्कुल डीजल वेरिएंट है। एंड कौन से स्टेट की गाड़ी होगी भैया ये? हमारी HR रजिस्टर्ड। HR रजिस्टर्ड। एंड अब बाबा लग्जरी कार पे हम इस XUV 500 की क्या कॉस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं भाई? ये आपको मिल जाएगी नेगोशिएबल प्राइस के साथ 4.5 लाख रुपए। 4.5 लाख रुपए। सो गाइस ये देखिए इंडिया की मोस्ट डिमांडिंग गाड़ियों में से एक जो कि आपकी मारुति सुजुकी की स्विफ्ट। सो अब विपिन भाई कुछ इन्फॉर्मेशन दो इस कार के बारे में यार। स्विफ्ट सबसे पहले तो बता दो तो ये पेट्रोल में है। Okay. ज़्यादातर जो डीजल लोग ऐसे प्रेफर करते हैं बट ये वाली पेट्रोल में है, वाइट कलर आप देख सकते हैं। Okay. बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन कंडीशन में है गाड़ी, सब कुछ बाहर से आपको कंपनी फ्रेंडली मिलेगा इसमें। ओके okay. और आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ सुथरी गाड़ी है, अगर साइड से भी देखेंगे 5-सीटर रहती है सब जानते हैं। एंड गाइस इसमें आपको मिलता है अब क्या मिलते हैं इसमें आपको है ना भाई? जी बिल्कुल ठीक है। बताइए भाई इसमें और क्या फीचर मिलते हैं? और इंटीरियर में अगर बात करें तो आफ्टर मार्केट इसमें सीट कवर लगे हैं, टच म्यूजिक सिस्टम आप देख सकते हैं वो सब आफ्टर मार्केट लगा हुआ है। ओके अब इसकी अगर हम कॉस्टिंग की बात करें तो इसकी डिटेल शेयर करो पहले इसकी डिटेल बताओ भाई। ये 2015 मॉडल है, पेट्रोल वर्जन है, रजिस्ट्रेशन दिल्ली की ही है और किलोमीटर की बात करें तो 54,000 चल चुकी है गाड़ी। एंड इसकी अब कॉस्टिंग की बात करें, इसकी कॉस्टिंग क्या होने वाली है भाई? ये आपको मिल जाएगी बाबा लग्जरी कार पे 4.25 लाख। 4.25 लाख रुपीज की। एंड गाइस बता दूँ नेगोशिएबल प्राइस है और कौन से ईयर का मॉडल है भाई ये? 2015। तो गाइस दिल्ली नंबर है तो आराम से 2030 तक तो गाड़ी आराम से मक्खन चलेगी है ना भाई? ठीक है। सो गाइस इसकी इन्फॉर्मेशन हो गई, अब आपको दिखाते हैं नेक्स्ट कार जो कि आपके साथ में आप देख रहे हैं स्कोडा रैपिड। सो विपिन भाई अब इसकी कुछ डिटेल शेयर करो कर लिए था इसमें इस कार में हमें बाहर एक्सटीरियर में क्या क्या फीचर्स मिलते हैं? एक्सटीरियर में आपको स्कोडा का ग्रिल मिल जाता है आगे की तरफ हाँ जी, और जो फॉग लैंप्स मिल जाएंगे आपको इस गाड़ी में। Okay. इसमें भी आपको सब कुछ ये स्टॉक है, पूरी कंपनी फिटेड है इसमें, आपको बाहर से कुछ नहीं कराया हुआ। अगेन ये भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन गाड़ी आप देख सकते हैं, साफ सुथरी गाड़ी है। ओके okay. और इंटीरियर में आपको बीच कलर की सीट कवर्स मिल जाते हैं इसमें, मैनुअल ट्रांसमिशन में रहती है ये, 5-सीटर होती है और स्पेशियस है, अंदर से भी अगर आप देखेंगे तो अच्छा स्पेस मिल जाता है आपको। कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम होता है इस गाड़ी के अंदर और आपका एसी भी जो है क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिल जाता है आपको इस गाड़ी में। ठीक है। सो भाई अगर हम इसकी डिटेल्स की बात करें कौन से ईयर का मॉडल होना चाहिए? ये 2013 मॉडल है। एंड एक डीजल वेरिएंट? बिल्कुल डीजल वेरिएंट है। एंड कौन से स्टेट की गाड़ी होने वाली भाई? ये हमारी दिल्ली रजिस्टर्ड है। एंड अब बाबा लग्जरी कार पे हम इस स्कोडा रैपिड की क्या कॉस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं भाई? ये देखिए काफ़ी डिमांड में भी थी, काफ़ी टाइम से लोग मांग रहे थे, थोड़ा कम बजट में गाड़ियाँ चाहिए तो आपको दिखाई दी, और रैपिड की भी काफ़ी टाइम से डिमांड थी। इसके अलावा एक और ऑप्शन भी है रैपिड का हमारे पास, वो ग्रे कलर में है, तो जो ये वाली आपको मिल जाएगी 2013 मॉडल, ये आपको मिल जाएगी 2.95 लाख रुपीज़ में। तो गाइस एक बार बता दूँ 2.95 लाख रुपीज़ जो है नेगोशिएबल प्राइस है बिल्कुल। अगर इसमें आप इंटरेस्टेड है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपके सामने 10 नंबर आ रहे हैं, यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। प्लस कमेंट सेक्शन में जाके आप ये बताइए नेक्स्ट ब्लॉग में आप कौन सी गाड़ी देखना चाहते हैं, अगर अवेलेबल होगी तो हम वो आपके लिए लेके आएंगे। क्यों विपिन भाई? बिल्कुल ज़रूर।
ओके एंड गाइस कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे माइक सेटिंग ब्लॉग एंड बाबा लग्जरी कार, यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चले गए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नया धमाका, कुछ नई कलेक्शन लेके। तो बोलिए दोस्तों, बाय बाय।